देखिए बॉस, हमने XUV 300 ले रखी है, जिसकी स्थिति ये है, मैं नाइट ड्राइविंग कर रहा हूँ और अचानक से इसके अंदर सारी इंजन की लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन हो जाती है और तकरीबन मेरी 150-1.5 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली हुई है। कंपनी के पास बार बार गया, लेकिन कंपनी वाले इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आए तो हम कोई इस चीज़ को समझ सके, और ये अचानक से आती है, अचानक से वापस बंद हो जाती है। और गाड़ी की मेरी नज़र में महिंद्रा आज भी जीप बनाने लायक है। इनको किसी भी तरह के सेंसर्स और इन चीज़ों की टेक्निकली जानकारी नहीं है। तो कृपया, अगर मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो भविष्य में महिंद्रा की कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि जब आपका महिंद्रा कंपनी किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं कर सके, ऐसी गाड़ी रखने से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए मेरी स्पीड है 20, 25, 10, और ये स्थिति के अंदर ये गाड़ी है। स्टीयरिंग्स वगैरह सब 220 की काम ही नहीं कर रही है। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझें, और अगर आनंद महिंद्रा साहब अगर इसको देख रहे हैं तो ज़रूर इस गाड़ी के अंदर जो ये टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ रही है, इनका सॉल्यूशन अपने स्तर के ऊपर प्रमाण मोटर्स अजमेर और सीतापुरा में जो इनका ये वर्कशॉप है जयपुर, उसके अंदर भी मैंने इस गाड़ी को दिखा दी, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराएं।